वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर लाइन सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये ए बी है लाइन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है ए से लेके सी तक। सो व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, सो द एंगल ए इज 90 डिग्रीज। ठीक है, व्हेन देयर इज ए परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रावन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बोथ एंगल्स मेड ऑन इट आर ऑफ 90 डिग्री। सो ए इज 90 डिग्री, यानी अक्ष इज 90 डिग्री। ओके, एक तो हमें दिया हुआ है, ये पता लग गया। अब क्योंकि ये अक्ष 90 डिग्री है एंड क्यू इज 20 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 20 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 2 डिग्री। तो दिस ट्राइंगल ए क्यू पी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए क्यू पी, इसमें एक जो है 90 है और एक है 20, और तीनों का जो सम है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो दिस एंगल कितना होगा, 180 माइनस 110। ठीक है, 180 माइनस 110, सो इट इज 70 डिग्री। सो दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओके, अब दिस एंगल इज 70 डिग्री, सो दिस पी इज 70 डिग्री, एंड वाई एंड पी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज दीज आर सिचुएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड राइट साइड में दोनों है, एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस दिस ए डी एंड पी आर, इसके दोनों के एक साइड में, दोनों जो है सेम साइडों में है, इसीलिए पी इज दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई। सो वाई की वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री। ओके, वाई इज 70 डिग्री, एंड जेड, हियर इज जेड। ठीक है, सो देखिए दिस एंगल इज 70 डिग्री, सो जेड इज इंटरनल एंगल ऑफ दिस पी, इस एंगल का इंटरनल एंगल है ये, बिकॉज दीज आर ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन पी आर एंड बिटवीन दी पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अंदर वाले जो दोनों कोण है वो इंटरनल एंगल्स है, एंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल इज 180 डिग्रीज। सो 70 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। तो जेड जो हो गया वो आपका 110 डिग्री हो गया, ये आपका आंसर हो गया थर्ड। क्लियर, यू कैन सी द आंसर हियर इन इंग्लिश एंड हियर इन हिंदी, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।